तिरंगा यात्रा हम शुभारंभ कर रहे हैं, यहाँ से सभी कार्यकर्ता बंधुओं से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज़ादी की लड़ाई में महम का बहुत अहम योगदान रहा। सन 1857 की क्रांति में महम के आज़ाद चौक के ऊपर, जिसको हम आज़ाद चौक के नाम से पुकारते हैं, नाम लगता है कि हमारे क्रांतिकारियों को फांसी दी गई। 1857 की क्रांति का इतिहास है। महम में बहुत से क्रांतिकारी और बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने जन्म लिया, जिनमें लाला कबूल दास थे, गिरधारी पूरे देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव के ऊपर प्रधानमंत्री जी के आह्वान के ऊपर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है। परसों 15 अगस्त को भारतवर्ष को पूरे 75 साल आज़ाद हुए हो जाएंगे। उसके बाद भारत में क्या क्या परिवर्तन आए, क्या क्या लोगों की सोच में परिवर्तन आए और क्या आज भारत की स्थिति है, इन सारी बातों का आह्वान करते हुए राष्ट्रीय एकता के भाव को जगाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया कि पूरे देश के लोगों का राष्ट्रीय भाव जब तक एक नहीं होगा तब तक हम एक अखंड भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए हर आदमी के दिल में एक राष्ट्रीयता का भाव हो, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे वो दलित है, पिछड़ा वर्ग है, सामान्य वर्ग है, व्यापारी है, कर्मचारी है, जो भी है, 36 बिरादरी जिसको हम हरियाणा में जिस भाषा में कहते हैं, सबके मन में राष्ट्रीय भाता भावना का सम्मान जगना चाहिए। उसको राष्ट्रीय भाव के साथ जिंदा रहना चाहिए और अपने देश की संस्कृति और सभ्यता से जुड़ के देश के विकास में भागीदार बनना चाहिए। आज राष्ट्रीयता के भाव के अभाव में ही हमने देखा है कि पीछे जैसे अग्निपथ योजना चालू की गई, बिहार के अंदर करोड़ों अरबों की संपत्ति को स्वाह कर दिया गया और लोगों ने बिना किसी सोचे समझे ऐसे राष्ट्र को नुकसान कर दिया। उस योजना की ना तो अच्छाई को समझा, ना उसके पहलुओं को समझा और गुमराह होकर उन्होंने राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान किया। तो समय समय पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने यही बात सोच के कि जब तक लोगों में राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगेगी तब तक ही इस किस्म की घटनाएं होती रहेंगी और इसकी शुरुआत होगी देश में एक ही भावना के साथ। जब हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे तो सबके मन में एक राष्ट्र के प्रति प्रेम जगेगा, प्रेम उपजेगा। तो इन्हीं संकल्पों को लेकर प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में तिरंगा यात्राओं की शुरुआत की है और आज हम महम से ये तिरंगा यात्रा की शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। महम के बारे में मैं संक्षिप्त में कहना चाहूँगा कि महम वीरों की भूमि रहा है। 1857 की क्रांति में भी हिंदू और मुसलमान दोनों ने इकट्ठा होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ यहाँ पर लड़ाई लड़ी। आज़ाद चौक के ऊपर हमारे क्रांतिकारी योद्धाओं के ऊपर रोड रोलर चलाए गए और यहाँ पर जो महम चौबीसी का चबूतरा है वहाँ पर वृक्षों पर क्रांतिकारियों को श्रेयाम फांसी दी गई। उसके बावजूद भी महम की कभी क्रांतिकारी भावनाएँ दबी नहीं, रुकी नहीं। 1857 के बाद भी जब स्वतंत्रता का आंदोलन चला महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, तो यहाँ से लाला कबूल दास, लाला गिरधारी लाल और हमारे चाचा बद्री प्रसाद सब लोगों ने जेड़ें काटी अंग्रेज़ों की जेड़ों में वो रहे उस समय में और बहुत सी यातनाएं से ही स्वतंत्रता के लिए हमारे आज़ादी के बाद विभाजन के बाद भी हमारे लाला ऐसी लाल और लाला हमारे तीरथदास चुग जी और हमारे जहांगीराम जी, हमारे जो ताऊ जी थे जगन्नाथ जी के पिताजी, जो उस समय के पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान, उस समय के हिंदुस्तान पर वहाँ पर जिन्होंने यातनाएं झेली थी अंग्रेज़ों की, वो भी महम में आके बसे और उन्होंने विभाजन के समय भी अपने बहुत लोगों की रक्षा की। तो ऐसे वीरों की भूमि महम रहा। उसके बाद 62 की लड़ाई में महम के लोगों ने शहादत दी। चीन के जहाज जब लड़ाई हुई
65 में पाकिस्तान की लड़ाई में हमारे लोगों ने शहादत दी, 71 की लड़ाई में शहादत दी, और कारगिल युद्ध में भी हमारे महम के एक सामान्य से लाखन माजरा से हमारे योद्धा शहीद हुए। तो उस भूमि को, वीरों की भूमि को नमन करते हुए हम यहाँ से तिरंगा यात्रा की आज शुरुआत कर रहे हैं। गौरव यात्रा निकाली थी कांग्रेस ने, तो उन्होंने कहा असली यात्रा ये है जो बीजेपी है। चलो आज आज़ादी के अमृत महोत्सव पर और तिरंगा यात्रा में हम किसी के क्रिटिसिज्म में नहीं पढ़ना चाहते। वो अपना उनका एजेंडा है, वो निकालें, गौरव यात्रा निकालें, जो भी निकालें, हमें इस बात से कोई एतराज़ नहीं है। तो हम तो यही कहते हैं कि हर आदमी में राष्ट्रीय भाव जगना चाहिए, राष्ट्रीय भावनाएँ जगनी चाहिए। आने वाले 25 साल की बात करें, किस तरह का भारत नज़र आएगा आगे 25 साल? पूरी दुनिया इस बात को मान चुकी है कि 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व भारत को मिला है, तब से भारत एकदम संसार के अंदर ऊंचाइयों के ऊपर है। और आज भारत की इज्जत पूरे विश्व के अंदर बहुत ही सम्मान के साथ भारत के व्यक्ति को देखा जाता है। और इसका ताज़ा उदाहरण मैं ये दे सकता हूँ कि यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन के अंदर हमारे मेडिकल छात्र बहुत से वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो मोदी जी के एक आह्वान के ऊपर रूस ने युद्ध को रोक दिया 9 घंटे के लिए। और हमारे लिए सबसे बड़े गर्व की बात यह है कि विदेशी छात्र भी हाथ में तिरंगा लेके वहाँ से सुरक्षित निकल गए। तो आज इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद भारत का सम्मान दुनिया के अंदर कितना बड़ा है।